वेलकम बैक टू मानोज एवरीथिंग। आज मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज आपको तो पता ही होगा वैसे कि मेरी डिलीवरी 18 अप्रैल को हुई थी लॉकडाउन पीरियड में। सो उस टाइम तक मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था। नॉर्मली डिलीवरी के टाइम तक सबका वेट तो मतलब जितना रहता है उससे मतलब मैक्स टू मैक्स 20 केजी तो बढ़ना ही बढ़ना रहता है। इसलिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है फिर वेट लॉस के लिए। मतलब डिलीवरी के बाद आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड भी कराना है, फिर उसमें वेट लॉस जर्नी भी मतलब उसके लिए भी सोचना है कि कैसे करें क्या करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वैसे मेरा ज़्यादा वेट तो लॉस नहीं हुआ है, बट फिर भी शायद ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे जितना भी मैंने किया है। अभी मैं हूँ उस जर्नी पे, तो मैं आज आपके साथ वो सब शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैंने मतलब डिलीवरी के बाद बोलते हैं कि गर्म पानी पियो या गर्म गर्म चीज़ें खाओ, उससे मतलब डिलीवरी के बाद आपका शरीर भी मतलब हील हो जाता है। मतलब जो भी जैसे अगर सीजेरियन डिलीवरी हो तो बहुत ही अच्छा है, गर्म पानी और गर्म दाल दूध ये सबसे जो सीजेरियन की चोटें वो भी जल्दी से जल्दी हील होने लगती हैं। आप कुछ गर्म ही लीजिए या तो गर्म पानी पीने से आपका इजली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है डिलीवरी के बाद। अगर आप कंटिन्यू 6 मंथ पीना शुरू कर दें तो फिर इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं वेट लॉस के लिए, बट इतना नहीं हो पाता है। और जिनकी डिलीवरी गर्मी में होती है, गर्मी के टाइम पे, उनका तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जैसे कि मेरी डिलीवरी समर के टाइम पे हुई है, मतलब 18 अप्रैल, वो भी मुंबई में, तो बहुत गर्मी थी वो टाइम पे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतने लंबे टाइम तक गर्म पानी पी सकूँ। बट फिर भी 1 महीना या 15 दिन मैंने गर्म पानी ही पिया है। और उसके बाद फिर और दूसरा है कि आप मतलब गर्म पानी के साथ साथ मतलब उसके बाद जीरा पानी या ये सब ट्राई कर सकते हैं। ये सब वेट लॉस भी ड्रिंक है, और अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जीरा तो अपने आप में, जैसे आप दूध पिलाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, तो वो दूध को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप जीरा पानी यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे वेट लॉस ड्रिंक है। अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस बारे में बनाऊंगी। एंड आप एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका जैसे मतलब डिलीवरी हुआ है या फिर सीजेरियन हो या नॉर्मल हो, आप एब्डोमिनल बेल्ट ज़रूर से ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो बहुत सही रहता है। मतलब आपके बॉडी को भी शेप में लाता है एंड आपके बैक पेन और ये सब प्रॉब्लम भी जो आपको आगे चल के होने वाली रहती है उन्हें भी रोक लेता है ये। थोड़ा बहुत वर्क स्टार्ट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप तो मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ कुछ शुरू कर सकते हैं, बट जिनका सीजेरियन हुआ है जैसे कि मेरा, तो हम कोई हार्ड एक्सरसाइज या ये सब नहीं कर सकते। तो हमें मतलब अपने खाने पीने के हिसाब से ही अपना वेट लूज करना होगा, या फिर हम रोज़ 1/2 आवर वॉक करें, जो कि न्यू मॉम्स के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे मेरे से तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज ये कोरोना टाइम पे आप कहीं बाहर वॉक पे जा नहीं सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप घर में चलना फिरना ये सब स्टार्ट कर दो तो बहुत तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा, ये मेरी बात मान के चलिए आप। जैसे कि मेरा डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, मेरा वेट मतलब 98 केजी के भी मतलब 9900 इसके भी पार जाने लगा था लास्ट टाइम तक तो, बट अभी मेरा वेट 81 केजीज है। मतलब डिलीवरी को मेरे 5 मंथ हो चुके हैं, मतलब उसमें इतना भी लूज कर लेना बहुत हो गया मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम मेरा वेट बहुत था। और अगर मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ तो मैं मतलब फुल ऑन डाइट पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, बट इतने में मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इतना भी हुआ मानो बहुत कुछ हो गया। क्योंकि कई लोग तो ट्राई करते रहते हैं नहीं हो पाता है, बट मैंने जो भी किया इतना पॉसिबल हो पाया तो ठीक है, हो गया। आप भी अगर ये सब चीज़ें फॉलो करें तो आपका मतलब महीने में 3 या 4 केजी वेट लॉस तो होकर ही रहेगा। आप मेरी बात को ज़रूर मानिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।